क्योंकि हमारा पहला व्लॉग है, हमें शर्म आ रही है कोई हमें देख ना ले। ये क्या कर गया है? फिरदौस फिजियोलॉजी है ये। फिरदौस वो नहीं है जो पीटीआई के पास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द स्टेथोस्कोप। यार नाम ही मुश्किल रखा है तो अब गुजारा कर ले, बियॉन्ड द स्टेथोस्कोप जो भी है ठीक है। अच्छा तो आज मैं सोच रहा था कि अपना अपने चैनल पे पहला व्लॉग डाल दें, हम पहला व्लॉग है हमारा आज। तो उससे मेरा क्या फायदा यार, थोड़ी शर्म भी आ रही है ना, पहला व्लॉग है गुजारा कर लें जैसा भी है। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ, कल हमारा फिजियो का टेस्ट लगा हुआ है। कल नहीं है, कब है टेस्ट? टेस्ट कब है हमारा फिजियो का? सैटरडे को। तो ये मेरे दोस्त बैठ के फिजियो का टेस्ट तैयार कर रहे हैं। अच्छा मुझे पता ही नहीं है टेस्ट कब है, मैं समझ रहा था कल है, शुक्र है अभी आज। आज क्या दिन है यार, दिन का भी नहीं पता क्या 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 बनेगा मेरा, क्या बनेगा? वेनसडे यार, वो आज वेनसडे है, तीन चार दिन हैं, हम तो पास करने वाले हैं भैया, हमने तो लकीर को हाथ लगाना है, हम तो हो जाएंगे। बाकी ये इनसे मिलवाता हूँ आपको, अपने रूममेट से, ये अभी टेस्ट तैयार कर रहे हैं फिजियो का आज। तो हाँ वारिस भाई जी, भाई कब है टेस्ट फिजियो का? भाई दो दिन रहते हैं अभी। दो दिन? हाँ, सैटरडे को आज, आज वेडनेसडे आज। हाँ फिर जुम्मा और वो रहते हैं ना जुमेरात, दो दिन। तो हाँ, कितना टेस्ट है, कितना कर लिया आपने? यार मैंने तो अभी कुछ नहीं किया, पहले बीमार रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कितना चैप्टर है फिजियो के? फिजियो के भी 10-12 है यार। 10-12? जी जी यार, ये भी फेल है, बड़ा हरामी हो बेटा। कोई नहीं। अच्छा कुछ कोई 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 ऐसा तरीका बताओ, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं इजीली पास कर सकूं, मतलब पास कर सकूं। फिरदौस इज द वन एंड ओनली सॉल्यूशन। अच्छा आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? मैं भी फिरदौस पढ़ रहा हूं। ये हमारे भाई फिरदौस पढ़ रहे हैं। अच्छा जिन जिन को जो जो मेडिकल फील्ड के हवाले से है उनको पता है, इस पर साफ सीधा नजर ही नहीं आ रहा यार। फिरदौस है, फिरदौस फिजियोलॉजी है ये। फिरदौस वो नहीं है जो पीटीआई के पास पहले मस्त जोक मारा यार। हाँ ये बुक है फिरदौस फिजियोलॉजी की, शॉर्ट एक रिव्यू बुक होती है, उसमें बेसिक चीज़ें होते हैं, बंदा पास कर लेता है ना उससे भी, वरना जो मेन बुक है वो गाइडन एंड हाल है। तो मुझसे तो नहीं होती कभी भी, आज हमारे ये पढ़े लिखे भाई भी जो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं ये भी ये कर रहे हैं। अच्छा मरूफ यार, एक तो रूम का हाल गंदा बना रखा है, किस तब रूम की सफाई भी कर लेनी चाहिए मुझे लगता है। तो आप सुनाए कैसी तैयारी है आपकी? यार ठीक है, तैयारी लगे हुए हैं, बस दुआ करो अल्लाह खैर करे। यार इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट भी नहीं है कि दुआ की हद तक हम आ जाएं, इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ टेस्ट ही है। हाँ टेस्ट ही है, लेकिन टेस्ट यार पास करने चाहिए मेडिकल के अंदर, ये नहीं है कि आप हर टेस्ट फेल करते जाओ। ये इतना सेंसिबल हमारे इतना सीरियस भाई हैं, ये हर टेस्ट को आप बताएं जी। क्या मैंने पूछा आप इतना सीरियस क्यों है इस टेस्ट के लिए, इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट तो नहीं है ना ये? नहीं यार इम्पोर्टेंट है, तुझे पता ही नहीं है? मुझे नहीं पता टेस्ट इम्पोर्टेंट है यार, मैं भी MBBS कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कि सही बात है ना। अच्छा हम ना टोटल 6 रूममेट्स हैं, एक मैं हूँ, दो ये आपको दिखाए हैं बैठे हम, एक रूममेट हमारे असगर शिफा, उसका नाम असगर शिकरा है। तो वो भाई साहब इतना पढ़ते हैं, अभी वो आएंगे थोड़ी देर बाद ना, अब उनको सुन के देख लेना, उनका इंटरव्यू हम लेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि वो कैसा टेस्ट तैयार कर रहे हैं। भाई साहब उन्होंने तो फिजियो का कर लिया होगा, वो अभी आगे का सोच रहे होंगे कि आगे मैंने क्या करना है। बायोकैम तैयार कर रहे हैं ना, देखें वो उसने फिजियो कर लिया भाई, वो बायोकैम को लगा हुआ है। तो दुआ करें मैं भी ऐसा बन जाऊँ, मैं कभी टेस्ट पास कर लूँ, मुझे बहुत है बस इतना दुआ करें मैं इजीली टेस्ट पास कर लूँ। नहीं नहीं वैसे अभी तक मेरे जो टेस्ट है ना वो काफ़ी सारे अच्छे नंबर से पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ता हूँ, निकम्मा हूँ लेकिन इतना नहीं। अच्छा अभी आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये भाई साहब एंट्रेंस है, ये दरवाज़ा अभी हमने बंद किया है क्योंकि हमारा पहला व्लॉग है, हमें शर्म आ रही है कोई हमें देख ना ले। हम रूम के अंदर ही बना रहे हैं, हमने बाहर नहीं निकलना। पहले एक पहले 10-15 व्लॉग तो इसी रूम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे भाई साहब। ये हमारा रूम है, तो अच्छा बैक कैमरा खोलना पड़ेगा।
तो भाई साहब उसके मेरे ख्याल में शू रहते हैं, नहीं शू रहते। अच्छा ये दो अलमारियाँ बड़ी हैं और ये हमारे आप पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, बिस्तरे ही कहते हैं, ये हमारे गरीब भाई बिस्तरे हैं। अच्छा अभी आपको मैं रूम दिखा रहा था तो चेयर थी एक हमारी, वो नज़र नहीं आ रही। चेयर किधर है यार? आशिर भाई क्यों? किस चीज़ का प्रॉब्लम था? नी का चार पेपर बैठ नहीं सकते। अच्छा तो यार हमारी चेयर हमारे सीनियर भाई लेके गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब कह तो कुछ नहीं सकते ना सीनियर, वो सारी जिंदगी लेके जाए तो लेके जाए बस। हाँ तो भाई वो शाहकार आ गए हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे ना पहले ब्लॉग में, असगर फिकरा है। फिकरा तो, कैसा है तू? क्या कर गया है ये, क्या कर गया है? यार फिकरा गालियाँ नहीं देनी ब्लॉग बन रहा है ना, गालियाँ नहीं देनी प्लीज, गालियों पे आज कंट्रोल कर लो थोड़ा सा, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। मेरे ख्याल में यही ब्लॉग के बाद तुम्हें दे दी तो फिर वो तेरा माइंड रिलैक्स रहेगा ना। अच्छा बात सुन, सुना टेस्ट कैसा रहा फिजियो का? वो किस तक प्रिपेयर की है? व्हाट द फक इज दिस यार, इसको पता भी नहीं है टेस्ट कब है। टेस्ट का भाई मुझे पता है, सैटरडे को है टेस्ट, अभी हुआ नहीं है। मैं ये कह रहा था कि किस तरह प्रिपेयर हुआ तेरा टेस्ट, किस तरह से तैयार किया तू? फिजियो कर रहा था अभी जाके या तू कुछ और पढ़ रहा था? मैंने सुना है ना कि तू फिजियो को छोड़ के बायोकेम पढ़ रहा है। फिजियो कितने फिजियो प्रिपेयर कर लिया तूने? कर यार शिकरा भाग गया, शिकरा भाग गया है। और देखें पीछे यार ये नहीं बता रहा, तो ऐसे लड़के हैं इनको हम स्नेक्स कहते हैं ना, मेडिकल लैंग्वेज में स्नेक्स कहा जाते हैं इनको, जो कुछ नहीं बताते, इतना पढ़ते हैं अच्छे ज़्यादा, लेकिन इंडियन उनसे पूछो कि कुछ पढ़ा है वो कहते हैं हमने कुछ नहीं पढ़ा। और हर रूममेट्स में एक दो हर रूम में ना एक दो स्नेक्स आपको मिलते ही हैं, तो ये नेचुरल है, खैर है। अच्छा तो भाई पहला ब्लॉग यहाँ पे हम एंड करते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तकरीबन एक बज रहे हैं, तो मेरे रूममेट्स चेंज कर रहे हैं कि लाइट्स ऑफ कर दो ना, तो बस अल्लाह हाफिज़। यार लाइट का बटन कौन सा है?